किस रीजन से? बोला कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। तो इसका रीजन आ जाएगा फिर से आपके पास में पूरकता नियम, पूरकता नियम, ये इसका रीजन है, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। अब इसको फिर से ओपन कर देते हैं, पूरे को ए मान रहे हैं प्लस इसको बी डॉट सी, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस सी, ये तो गया फर्स्ट वाला पार्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको भी ओपन कर रहे हैं, ये बन जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री डॉट, एक पार्ट और बच गया, वन प्लस टू डैश, वन प्लस टू डैश प्लस थ्री डैश, ये बन गया दूसरे वाले पार्ट का। इसका रीजन क्या जाएगा? बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो कोई दो बार है क्या? वन टू थ्री, थ्री डैश, टू डैश और थ्री डैश, कोई भी दो बार नहीं है। बस ये देख लिया करो कि लास्ट में अगर कोई दो बार टर्म्स आ जाए ना, उसको दोनों को हटा दिया करो आइडेंटिटी लॉ से, उसको फिर से एक बार लिख दिया करो इस वाले प्रॉपर्टी से, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए या फिर ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, दोनों पार्ट से हटा दिया करो, हटा करके फिर से वही वाला पार्ट लिख लिया करो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट पे आ जाओ, इसी सी एन एफ फॉर्म से रिलेटेड ही है क्वेश्चन, सब में वही सी एन एफ ही चल रहा है, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट एक्स वन डैश प्लस एक्स टू डैश, एक्स वन डैश प्लस एक्स टू डैश, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना इस वाले को भी। अब देखो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मतलब दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन कितने वेरिएबल्स के लिए दिया हुआ है? दो वेरिएबल्स के लिए। हमें लेना कितने वेरिएबल्स के लिए है? बोला तीन वेरिएबल्स के लिए हमें लेना है। कितने वेरिएबल्स यहाँ पे है? बोला दो वेरिएबल्स है, तो एक एक वेरिएबल्स की कमी है, यानी क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस जीरो और प्लस जीरो दोनों के अंदर, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस जीरो इसके साथ भी डॉट एक्स वन डैश प्लस एक्स टू डैश प्लस जीरो इसके साथ भी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका रीजन आ जाएगा योग तत्समक नियम, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इस जीरो की जगह अपन चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे इसको, बोला वन प्लस टू, प्लस थ्री की कमी है तो थ्री और साथ में थ्री डैश, जिसकी कमी है वो अपन लिखेंगे साथ में डॉट, यहाँ पे भी वन डैश प्लस टू डैश प्लस थ्री और थ्री डैश, जिसकी कमी है उसको अपन लिखते हैं एज इट इज, जिसकी कमी है उसको अपन एज इट इज लिखते हैं। अब इस वाले पार्ट को ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी डॉट सी यानी ए प्लस बी
एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डैश, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो डॉट, इसको भी ओपन कर देते हैं। ये बनेगा एक्स वन डैश एक्स टू डैश प्लस का एक्स थ्री, फिर डॉट प्लस का एक्स थ्री, फिर से डॉट एक्स वन डैश प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री डैश प्लस एक्स थ्री डैश। अब इनमें देख लो कोई दो बार है क्या, वन टू थ्री, फिर है थ्री डैश, फिर है टू डैश वन डैश और फिर है तीनों का डैश, इन कोई भी दो बार नहीं है। तो यही क्या हमारे पास में रिजल्ट है, ये तो है सीएनएफ फॉर्म, योगफल गुणनफल योगफल गुणनफल योगफल गुणनफल, यानी एडिशन बन जाए अध्ययन बन जाए वो क्या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म। एडिशन और फिर क्या बन जाए साथ में मल्टीप्लिकेशन। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ सी एन एफ फॉर्म ही चल रहा है, एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट एक्स वन प्लस एक्स टू डैश एक्स वन प्लस एक्स टू डैश डॉट एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश। फिर से सब में एक ही काम करना है, किसी में अलग नहीं करना है, सी ने फॉर्म लिखना है बस, कहीं पे वन डैश टू डैश कर देगा, किसी में सिंपल ये कर देगा, किसी में एक के डैश कर देगा, किसी में दोनों के कर देगा, इन्हीं को बस चेंजिंग करेगा बार बार में, इन्हीं चीज़ों को बस। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं फिर से, वही दो दो टर्म्स तो है ही हमारे पास में, बस एक एक टर्म्स की कमी है, एक एक टर्म्स की कमी है, तो प्लस जीरो प्लस जीरो और प्लस जीरो, फिर बस उसको अपने को ओपन करना है, तीनों में प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो और ओपन करना है फिर से हमें। यानी क्या क्या मिलेगा, ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस यहाँ पे भी जीरो डॉट एक्स वन प्लस एक्स टू डैश प्लस जीरो यहाँ पे भी जीरो, फिर प्लस एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश प्लस फिर से जीरो, फिर से जीरो तीनों वाले पार्ट के अंदर। इसका रीजन क्या आ जाएगा, योग तत्समक नियम, यहाँ पे रीजन आ जाएगा, इसका रीजन है हमारे पास में योग तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी योग तत्समक। अब इसको ओपन कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, पूरे को देखो, पहले तो जीरो की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं कॉम्प्लीमेंशन लॉ वगैरह लगा करके, इन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस जीरो की जगह एक्स थ्री और एक्स थ्री डैश, फिर डॉट एक्स वन प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री डॉट एक्स थ्री डैश, फिर डॉट एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश प्लस एक्स टू इंटू एक्स टू डैश, जिसकी जिसमें कमी है उसको अपन डॉट कर दिए, रीजन आ जाएगा आपका इसमें कॉम्प्लीमेंशन लो, रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम। रीजन आ जाएगा हमारे पास में कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम।
ठीक है। अब इसको अपन ओपन कर देते हैं। ओपन करना पड़ेगा किस लॉ से? बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। अब इसके अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। क्या लिखेंगे इसको अपन? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, फिर डॉट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डैश, फिर डॉट एक्स वन प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री, फिर डॉट एक्स वन प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री डैश, फिर डॉट। इसको फिर से ओपन कर देते हैं। ये बनेगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश प्लस एक्स टू, फिर डॉट। एक टर्म्स और आएगी, नीचे लिख देता हूँ, एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश प्लस एक्स टू डैश। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। अब ये देखो कि कोई दो बार है क्या? कोई दो बार है तब तो एक बार को हटा दो, और कोई एक बार ही है तब तो फिर से आएगा ही आएगा। मैं तब तो वो आपके पास में आएगा ही आएगा ना। मैं कोई दो बार है तो ठीक है, नहीं है दो बार तो उसको फिर से लिखना है। एक तो मिलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये एक बार ही है देखो बस यहीं पे और कहीं पे नहीं है, वन टू थ्री। फिर आपके पास में एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डैश, थ्री के डैश और कहीं पे नहीं है, एक यहाँ पे भी है, वहाँ पे थ्री के डैश है ना, हट जाएगा। फिर हमारे पास में एक्स वन प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री, टू डैश एक जगह ही है। फिर देखो एक्स वन प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री डैश, टू डैश और थ्री डैश, और लास्ट जो बचा हुआ था वही भी टू डैश और थ्री डैश बचा हुआ है। और इसका रीजन क्या आ जाएगा? आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम। इसका रीजन आ जाएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है आइडेम्पोटेंट लॉ? ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, दोनों पार्ट से ए प्लस ए करो तो भी ए आएगा, ए डॉट ए कर दो फिर से ए ही बनेगा। भाई यही तो होता है आइडेम्पोटेंट का मतलब, वर्गसम, ए प्लस ए फिर से ए, और ए डॉट ए फिर से क्या बनेगा? फिर से ए ही बनेगा, सेम सेम दोनों में। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन, एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू, यहां से लिख देता हूं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू, क्या क्या हमारे पास में है? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट वन टू प्लस एक्स वन डॉट एक्स टू, फिर प्लस एक्स वन डैश डॉट एक्स थ्री, एक्स वन डैश डॉट एक्स थ्री, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, एक्स वन डैश डॉट एक्स थ्री पूरे का कॉम्प्लीमेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, दो दो बार पूछा हुआ भी है ये पूरा पूरा पार्ट आपके पास में। ठीक है,
अब देखो इस वाले पार्ट को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रखा है, बाकी सब क्वेश्चन वगैरह क्या है कि मन से ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन वगैरह। क्या करना है? बोला लिखना तो हमें योगफल में ही है, बोला इससे बोला कोई दिक्कत नहीं इस वाले पार्ट से, क्यों तीनों के तीनों प्लस में है, दिक्कत किससे है? बोला दिक्कत है इस वाले पार्ट से। यहाँ पे क्या आ रहा है? बोला बाहर डैश है, बोला सबसे पहले बाहर वाले डैश को हटाओ यहाँ से, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को हटाना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले डैश को यहाँ से रिमूव करो। तो इसको अपन लिखेंगे क्या, देखो इसको अपन रिमूव करने के लिए डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, पहले देखो एक्स वन एक्स टू और साथ में एक्स थ्री एज इट इज, फिर डॉट, इसमें लगा देते हैं अपन डिमॉर्गन्स लॉ। तो पूरे को मान रहे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो एक तो बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट फिर से डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स वन डॉट एक्स थ्री इसका कॉम्प्लीमेंट, ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और डॉट के अंदर फिर से क्या आपका उसमें बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। यानी इसको अपन फिर से क्या लिखेंगे? बोला इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, इसको तो बोला एज इट इज रहने दो, इसमें ना फिर से अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करोगे? बोला एक बार तो बनेगा ये एक्स वन डैश प्लस एक्स टू डैश, फिर डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट, इसको क्या लिखेंगे अपन? एक्स वन प्लस यहाँ से बनेगा ये एक्स थ्री का कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। रीजन क्या आ जाएगा? बोला रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये इसका रीजन है हमारे पास। डिमॉर्गन्स लॉ ये क्या आपके पास में रीजन है। अब इसमें तो तीन टर्म्स है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट, इसमें प्लस जीरो, वन डैश प्लस टू डैश प्लस जीरो डॉट, एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश प्लस का फिर से जीरो, योग तत्समक नियम, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में तत्समक नियम, इस वाले पार्ट का रीजन आ जाएगा तत्समक नियम, इस वाले को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इस पार्ट में कोई दिक्कत है नहीं। अब इनको जीरो की जगह लिख देते हैं, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट, इस जीरो की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स वन डैश प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री डॉट एक्स थ्री डैश, फिर प्लस एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश प्लस जीरो की जगह एक्स टू और एक्स टू, पूरकता नियम हर जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कॉम्प्लीमेंशन लो तीनों में एज इट इज, तीनों में आ जाएगा आपके पास में, देख लो आराम से देख लो। इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख लेंगे? इस तरीके से लिख लेंगे। अब इन सब को फिर से ओपन कर देते हैं, क्या क्या बन जाएगा? ये ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी, ये पूरे पूरे पार्ट बन जाएगा हमारे पास में। फिर से सब में एक ही काम करना है, किसी में भी अलग नहीं करना है। तो क्या बन जाएगा ये? इसको फिर से ओपन करके अपन लिख सकते हैं क्या कि एक तो बनेगा ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, बोला इससे तो कोई दिक्कत है नहीं डॉट, इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं क्या एक्स वन डैश एक्स टू डैश प्लस का एक्स थ्री, फिर डॉट एक्स वन डैश प्लस एक्स टू डैश प्लस एक्स थ्री डैश,
आखिरी डॉट, इसको क्या लिखेंगे अपन, एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश प्लस एक्स टू, फिर डॉट, इसको क्या लिखेंगे अपन, एक्स वन प्लस एक्स थ्री डैश प्लस एक्स टू डैश, रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई दो बार है तो उसको हटाएंगे, वन टू थ्री एक बार ही है और कहीं नहीं है, वन डैश टू डैश और भी है क्या कहीं पे, नहीं है आएगा, वन डैश टू डैश थ्री डैश और भी है कहीं पे, नहीं है आएगा, थ्री डैश ये भी आएगा, थ्री डैश और टू डैश ये भी आएगा, यानी सभी के सभी टर्म्स आएगी आपके पास में, जितने भी टर्म्स हैं आपके पास में सारी एडिटिव। ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म है, CNF फॉर्म है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट था यही क्वेश्चन आपके पास में। और कुछ क्वेश्चन है इसके, अब देखो जो नेक्स्ट है हमारे पास में, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थैंक यू।